हेलो फ्रेंड, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नया विजिटर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में जो बेल का बटन है उसे ऑल पर क्लिक कर देना, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वीडियो आप तक पहुँचते रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो शुरू करता आज की वीडियो। मेरे इस चैनल में आपको मिलती रहेगी ट्रैवलिंग के ब्लॉग और ट्रैवलिंग के बारे में डिटेल। ट्रैवलिंग के बारे में आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी में आप मैसेज कर सकता है और इस वीडियो का नीचे कमेंट भी कर सकता है। फिलहाल कोरोना का प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं कोई ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है। जैसा कोरोना का प्रॉब्लम खलास हो जाएगा, मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग शुरू करेगा तो आपको डिटेल मिलते रहेगा। तो चैनल में जुड़ा रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। तो फिलहाल आज मैं आप लोग को बताएंगे कुवैत का जो छोटा छोटा विलेज हो गया यानी लोकल स्टेट हो गया, उसके बारे में कुछ बताने के लिए कोशिश करेगा और उसका कुछ व्यू दिखाएंगे। चलिए शुरू करता वीडियो। तो दोस्तों, आप लोग देख सकता है ये जो गाड़ी जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये मेन रोड, ठीक है। मेन रोड से जैसा आप लोग ऐसा एंट्री करोगे अंदर, हर एक एक ब्लॉक एक एक ब्लॉक शुरू होता है। मेन रोड से एंट्री करने के बाद ऐसा ब्लॉक शुरू होता है, ये हो गया रोड, ठीक है। ये रोड ऐसा जाएगा, मतलब ये रोड एक राउंड है, समझ लीजिए एक गोल सर्कल का जैसा एक राउंड है। ये रोड का दोनों बाजू में आपको घर रहेगा, घर का नज़ारा ऐसा कोई से दो माला तीन माला का घर रहता है। घर स्टैंडर्ड भी रहता है, नॉर्मल भी रहता है, इंडिया का जैसा, ऐसा नहीं है पूरा स्टैंडर्ड ऐसा नहीं, हर तरीके का रहेगा घर ऐसा कोई से। और वो जो मस्जिद का मीनार देख रहा है वो दूसरा एरिया है, ठीक है। हर एक एक एरिया में आपको एक मस्जिद एक स्कूल रहेगा तो ज़रूर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो तो रहेगा ज़रूर। ये जो फ्लैग देख रहे हैं आप लोग हवा में लहर रहा है, ये एक मदरसा है ये इस एरिया का, ठीक है, एक मदरसा। और हो गया एक मस्जिद, और ये हो गया, ये जो दिख रहा है आप, ये ग्रोसरी स्टोर है खाने पीने का। ग्रोसरी स्टोर एक रहेगा, एक लॉन्ड्री रहेगा, और एक कटिंग शॉप रहेगा, सैलून दुकान, और खाने पीने का एक जो सैंडविच वगैरह रोटी चपाती वपाती मिलता वो रहेगा। हर एक एक ब्लॉक में ये सिस्टम है कुवैत का, ठीक है। ऐसा कुछ है ये नज़ारा, देख सकते हैं आप लोग व्यू ये है। और मैं यहाँ से अभी निकलता हूँ, मैं मेन रोड में जाता हूँ। मेन रोड में जाके आप लोग को कुछ मेन रोड के बारे में बताने के लिए कोशिश करता हूँ। मेन रोड में आने के बाद कैसा आपको अंदर किस एरिया में जाने का क्या है कंडीशन, उसका बारे में कुछ बताता हूँ, मेन रोड में जाके बताता हूँ। फिलहाल मैं मेन रोड में जा रहा हूँ। मेन रोड में मैं इसके लिए जा रहा हूँ, मेन रोड का सर्कल हो गया। अब मेन रोड से आने के बाद सर्कल में आके जो लोकल एरिया में एंट्री करेंगे, किस तरह एंट्री करना है कैसा आपको मालूम पड़ेगा, किस रोड में जाना है किस गली में जाने का, उस पर कुछ बोर्ड लगा रहता है, वो बोर्ड के बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे। वहाँ जाके बोर्ड का वीडियो दिखाएंगे, कैसे आपको पता चले किस एरिया में आपको जाना क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मेरा ये वीडियो किसी अगर नया बंदा देखे, कभी कुवैत में विजिट कर रहा है देखेगा तो उसको कुछ आइडिया मिल जाए। मेरा वीडियो का मकसद यही है, आप जो मेरे को दो चार पाँच मिनट टाइम दे रहे हैं आपको कुछ जानकारी मिल जाए, मैं यही चाहता हूँ बस। ये रात का कुछ व्यू है आप लोग देख सकता है, मैं उस सर्कल में जाके वीडियो दिखाता हूँ आप लोग को, बोर्ड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो वहाँ जाके बात करता हूँ, देख सकता है ये जो बोर्ड देख रहा है, ये जो बोर्ड देख रहा है आप लोग, बोर्ड में लिखा है फिरदौस, ठीक है। इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ जो भी नंबर लिखा है, तो ये बोर्ड लिखा रहने का मतलब यही है, ये बोर्ड आपको बताएगा रास्ता। जैसा लाल कलर का देख रहा है आप लोग, पीला कलर का 1 2, ये राइट साइड एक, लेफ्ट साइड 2, ठीक है, यानी एक नंबर रोड दो नंबर रोड। तो ये बोर्ड का मतलब ये आप, मतलब फिरदौस एक नंबर रोड में है, उस साइड वाला दो नंबर रोड है। और ये जो आप लोग ये राउंड देख रहा है, ये राउंड बोर्ड, ठीक है, ये राउंड बोर्ड, ये राउंड बोर्ड मेन रोड से आने के बाद ये राउंड बोर्ड आएगा। ये राउंड बोर्ड से आने के बाद आपको ये बोर्ड देखना, बोर्ड देख के आपको फ्लो करना, आप किस रोड में जाना कहाँ जाना, कोई आपका एड्रेस दे रहा है इधर आना, तो आपको रोड नंबर याद करना है, एक नंबर रोड में जाना दो नंबर रोड में जाना ऐसा आपको पता करना सकता है। ये दूसरा बोर्ड है, तो सर्कल में है ना, सर्कल में हर जगह में बोर्ड में ऐसा लिखा रहेगा आपको किस रास्ता में जाना कहाँ जाना ऐसा वाले लिखा रहेगा, ठीक है। तो वीडियो का मकसद यही है, क्योंकि कोई आदमी अगर कुवैत विजिट कर रहा है तो उसको मालूम पड़े कैसा एंट्री करना है, कहाँ जाना है, कैसा करना है, मेन रोड से आने के बाद लोकल एरिया में कैसा किधर जाना, ये मालूम होना चाहिए उसे। वीडियो का मकसद यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ये रात का टाइम का कुछ व्यू है, और हवा काफ़ी ज़्यादा है, वीडियो में नॉइज आ रहा है, तो इग्नोर करना ज़रा नॉइज़ को, ठीक है। ब्लॉगिंग चैनल है, ब्लॉगिंग वीडियो है, थोड़ा नॉइज आ रहा है, नॉइज़ को इग्नोर करना प्लीज़। और आगे जाके ठीक है, नॉइज़ है ना वो भी ठीक हो जाएगा।
और ये मेन रोड में है ना, मेन रोड में आगे क्या क्या है वो भी आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। उधर कुछ होटल वगैरह है वो भी दिखाता हूँ। ये मेन रोड है, मतलब ये एक एरिया फिरदौस है, ठीक है। ऐसा हर एरिया में जो मेन रोड है उधर आपको होटल वगैरह मिलेगा। और जो वीडियो का शुरुआत में दिखाया वो अंदर का एरिया है, अंदर के एरिया में आपको छोटा सा ग्रोसरी स्टोर रहेगा, रोटी रहेगा, सैलून दुकान रहेगा, लॉन्ड्री शॉप रहेगा आयरन करने वाला, उतना है। और जो मेन रोड है, मेन रोड का आपको होटल वगैरह मिलेगा, KFC, मैकडोनाल्ड, बर्गर किंग, ये सब मिलेगा, ठीक है। और अंदर मिलेगा आपको ये सब, बस ऐसा कुछ है नज़ारा लोकल एरिया का, लोकल स्टेट का घर का नज़ारा ऐसा कुछ है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग घर वगैरह ऐसा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये छोटा सा ही है, ये लोग चाय, गवा, अरेबियन कॉफ़ी वगैरह जो ये लोग पीता है ना, ये पीने के लिए ये लोग एक्स्ट्रा बना के रखता है, ऐसा है। ये लोग इसको अरबी में दीवानी बोलता है, दीवानी, दीवानिया बोलता है। हम लोग उधर चाय का वाका यानी कैंटीन का जैसा, ये लोग इसको ऐसा दीवानिया बोलता है। ये घर का नज़ारा ऐसा कुछ, छोटा छोटा घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। इंडिया में जैसा 4-5-10-20 माला का बिल्डिंग रहता है, इधर ऐसा नहीं है, 2-3 माला 4 माला का घर रहेगा बस। सिटी में रहता है थोड़ा बड़ा ज़्यादा, ये लोकल एरिया में ऐसा ही रहेगा, छोटा छोटा घर रहेगा। ये देख सकते हो आप लोग, ये KFC ड्राइव थ्रू है, ठीक है। ड्राइव थ्रू यहाँ से गाड़ी में बैठ के, आप गाड़ी में बैठ के ऑर्डर देना, यहाँ से आप एंट्री करते वक्त यहाँ से ऑर्डर दे देना, ऑर्डर देने के बाद उधर गेट में जाके आपको ऑर्डर मिल जाएगा, गाड़ी से उतरने का कोई काम है नहीं। एक KFC है, और आगे जाके दूसरा है पिज्ज़ा हट, बर्गर किंग, ठीक है। बाद में दूसरा है और एक क्या नाम है इधर इन लोग का, क्या नाम आरोपी में लेकर पता नहीं मुझे, जो भी है मतलब इधर आपको जो फास्ट फूड खाने का जो शौकीन रहेगा उसको पूरा ये सब मिल जाएगा, पिज्ज़ा हट, KFC, मैकडोनाल्ड, हार्डिस, ये सब पूरा आपको मिल जाएगा। देख सकते ये KFC है, ठीक है, ये है KFC, ऐसा आपको KFC का नज़ारा ऐसा है, देख सकते आप लोग, ये है KFC, ठीक है। और वो है पिज्ज़ा हट, उधर बर्गर किंग भी है उधर। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपकी सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने के लिए कोशिश करेगा, तब तक साथ में जुड़ा रहिए, टेक केयर, बाय बाय।